संभल योगी पुलिस अब लगातार एक्शन में नजर आ रही है। ये अब संभल में आए SP यमुना प्रसाद के निर्देशन में चल रहा है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ 3 घंटे चली। कॉमिक पुलिस ने कई राउंड फायरिंग की, पुलिस पर भी की बदमाशों ने फायरिंग। कदीर जो पशु तस्कर का सरगना है, ये फरार आरोपी बताया जा रहा है। पशु तस्करी का सरगना है, जनपद रामपुरा का रहने वाला है। इसके 2 साथी फरार हैं। मुठभेड़ में लगी बदमाश को गोली और साथ में कांस्टेबल अतुल फायरिंग में घायल हैं। इधर घायलों को जिला अस्पताल रेफर। मौके पर एडिशनल SP पंकज पांडे, CO संभल सरोज कृष्ण मौके पर। कई स्थानों को पुलिस की और बदमाशों की मुठभेड़ में एक तमंचे और एक बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो एक पशु तस्कर बदमाश पुलिस को गोली से घायल हो गया। जी सर, मुठभेड़ हुई थी सर बदमाशों के बीच। देखिए, आज थाना नखासा पर वांछित अभियुक्त के यहाँ पर गुजरने की सूचना पर पुलिस यहाँ पर पार्टी लगी हुई थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश निकले। रुकने पर कहे जाने पर इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई है। जो बदमाश, इसमें एक बदमाश के गोली लगी है, ये गौ तस्कर था। और आज ये लोग जो है यहाँ से मीट ले जा रहे थे, ये CST एक्ट में ही वांछित था। कदीर नाम का ये अभियुक्त जो कि रामपुर का रहने वाला है, इस पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इस पुलिस मुठभेड़ में एक अतुल नामक सिपाही थाना नखासा का भी घायल हुआ है। सर, कोई फरार भी है यहाँ से? 2 बदमाश जो थे मोटरसाइकिल पर वो फरार हैं। इसके अलावा इनसे एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा जिसके द्वारा इनसे फायरिंग की गई है, और करीब मीट भी इनके पास से बरामद हुआ है जो यहाँ पर है, जिसका परीक्षण कराया जाएगा। और ये जो मोटरसाइकिल है, इसको उस पर ऐप पे डाल के देखा गया, तो ये मोटरसाइकिल भी चोरी की अभी लिंक हो रही है। थैंक यू। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।